इंतजार कीजिए, दिल्ली में बदलने वाली है सरकार। ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना, हिंसा भड़काने का लगाया आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने शनिवार 27 मई को आरोप लगाया कि बीजेपी जातीय दंगों की साजिश रचकर राज्य में मणिपुर जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री पश्चिमी मेदिनीपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे कई तरह से धमकी दी है, केवल 6 महीने इंतजार कीजिए, फिर दिल्ली बदल जाएगी, इस बार प्रधानमंत्री बदलेंगे। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी क्या कर रही है, कभी नोटबंदी तो कभी कुछ और। बीजेपी बंगाल में भी तनाव पैदा करने की योजना बना रही है और इसके लिए पैसे का इस्तेमाल किया है। उन्होंने राज्य की मंत्री बीरबहा हंसदा के वाहन पर हमले की निंदा की और कहा कि शुक्रवार को हुई इस घटना के पीछे कुर्मी समुदाय के सदस्यों का नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ था। सीएम ने कहा कि मंत्री बीरबहा हंसदा की कार पर कल कुर्मी समुदाय ने हमला किया था। मेरा मानना है कि बीजेपी ने कुर्मी समुदाय के नाम पर ऐसा किया, नारे लगाए और बीरबहा हंसदा की कार पर हमला किया। कुर्मी समुदाय ऐसा कभी नहीं करता है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में समुदायों के बीच इस तरह के दंगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। वे ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिसमें आदिवासी कुर्मी से लड़े ताकि सेना को बुलाया जा सके और सेना को देखते ही गोली मारने का आदेश हो। आदिवासी बहुत जिले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी के काफिले पर कथित तौर पर पथराव किया गया था और इस काफिले में मंत्री का वाहन भी शामिल था जो क्षतिग्रस्त हो गया। मुख्यमंत्री ने टीएमसी के जनसंपर्क अभियान तृणमूल नौजवान को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कल की हिंसा की निंदा करती हूं, मैं नहीं मानती कि हमले के पीछे कुर्मी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।